उड़ने की चाहत तो पंखों को फैला के रख, है अगर निर्धारित लक्ष्य तो पैरों को जमा के रख। बाधाएं आएंगी पहाड़ बनकर, लेकिन हौसला तू भी चट्टानों सा रख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खास और महत्वपूर्ण खबरों की, और मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया संध्या, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है वर्ल्ड कप लेकर। भारतीय टीम अब स्वदेश आ चुकी है, तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा तमाम ऐसी स्ट्रैटेजियां थी जिनको फॉलो किया गया और उसके बाद एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर नजर आई है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिस तरह के यहाँ पर जो पैरामीटर्स रखे गए वो बहुत कुछ है, और साफ तौर पर जो जोश है वो जो यहाँ पर फैंस हैं उनमें नजर आ रहा है। इसके अलावा भी तमाम देश दुनिया की तमाम खबरों पर हमारा फोकस रहेगा और ये फोकस हम आपको बताएंगे भी और इस पर चर्चा भी करेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा के इस बेहद खास अंक की हेडलाइंस के साथ। टी20 वर्ल्ड कप जीतकर बारबाडोस से स्वदेश लौटे चैंपियन, दिल्ली एयरपोर्ट पर उमड़े फैंस, आज मुंबई में होगी विक्ट्री परेड। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया को सौंपा जाएगा 125 करोड़ रुपए का चेक। लोकसभा सांसदों के शपथ नियम में बदलाव, शपथ के बाद नहीं लगा सकेंगे नारे। ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे पर विवाद के बाद नियम 389 में संशोधन। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन, बीजेपी ने कहा आदिवासियों का अपमान है चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाना। हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में साजिश की जताई आशंका। असम में बाढ़ से अब तक 46 लोगों की मौत, 29 जिलों के 2,500 से अधिक गांव में 16 लाख से ज्यादा प्रभावित। काजीरंगा नेशनल पार्क के हालात भी बदतर। और ब्रिटेन में बनेगी किसकी सरकार, आज हो रहे चुनाव में होगा फैसला। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी का लेबर पार्टी से है मुकाबला। और आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात विश्व चैंपियन भारत की। टी20 के वर्ल्ड चैंपियन आज ट्रॉफी के साथ स्वदेश लौट आए हैं। रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम आज सुबह बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई है। इनके स्वागत के लिए देर रात से ही क्रिकेट के फैंस एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। हर कोई अपने हीरो का स्वागत करने के लिए बेताब नजर आया। इस बीच BCCI ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सभी खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ दिखाई दे रहे हैं। भारत ने रोमांच से भरे फाइनल मैच में 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, और ये वो वीडियो है जो साझा किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर एक खिलाड़ी ने किस तरह से ये वर्ल्ड कप लिया और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी है। और उसके बाद सबसे पहले जो स्वागत हुआ वो IGI एयरपोर्ट पर हुआ। रात से ही तमाम लोग जो फैंस हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर इनका स्वागत किया गया। और उसके बाद जब ITC मौर्या जाने की जिस होटल में ये लोग यहाँ पर रुके हैं खिलाड़ी, वहाँ पर की तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये ITC मौर्या के होटल जो है उसके अंदर की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर खिलाड़ी पहुँचे और यहाँ पर तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, और एक वर्ल्ड कप के
केक भी यहाँ पर रखा गया है जिसको थोड़ी देर में यहाँ पर कट किया जाएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण इसलिए भी है कि तमाम स्ट्रैटेजी, तमाम फैक्टर्स अब की बार के इस पूरे वर्ल्ड कप में देखने को मिले हैं। जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, और साथ ही साथ अगर हम राहुल द्रविड़ की बात करें तो उनका अब की बार का जो उन्होंने कोच की भूमिका निभाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है, क्योंकि अब की बार भारत ने क्लीन स्वीप किया है। तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो फैंस हैं वो बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं, और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें हमने आपके साथ शेयर भी की हैं। और ऐसे में जो फैंस हैं वो आधी रात से यहां पर पहुंचे हुए थे, और सिर्फ ये दिल्ली के फैंस नहीं हैं, बल्कि और भी जगह से, जो तमाम क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो यहां पर फैंस हैं वो यहां पर पहुंचे, और आधी रात से ही उन फैंस में जो उत्साह था वो बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि वो अपनी खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए थे, और पूरे टीम इंडिया का भव्य तरीके से यहां पर स्वागत किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तमाम रिएक्शंस भी इस पे लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले पर जीत के जश्न को लेकर के स्वदेश जो खिलाड़ी वापस आए हैं उसको लेकर के किस तरह के हालात, किस तरह के माहौल एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक बने हुए हैं, तमाम ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी संवाददाता सुचित्रा। सुचित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अल सुबह से एयरपोर्ट पहुँची और उसके बाद किस तरह से जीत का जश्न, फैंस में किस तरह से एक उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो खिताब लेकर के स्वदेश वापस आए हैं। जी सुप्रभात संध्या, आज की जो ये सुबह है ये एक निराली सुबह है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के लिए। और जब हम आज सुबह एयरपोर्ट पहुँचे तो यहाँ पर कई ऐसे क्रिकेट प्रशंसक थे जो कि रात से ही यहाँ पर कतारें लगाकर खड़े हुए थे अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स की, भारतीय क्रिकेट टीम की, जो कि विश्व चैम्पियन बनने के बाद वापस भारत लौटी है, उसकी एक झलक पाने के लिए। तो जो क्रिकेट प्रशंसकों का जो उत्साह है, जो उनका जुनून है, एकदम अपने चरम पर था, और उन्हें देखकर ये पता चलता है कि क्यों जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो दुनिया की सबसे पसंदीदा खेल की टीमों में से एक टीम है। यही जो भारतीय टीम के प्रशंसक हैं वो उसे एक बड़ी टीम बनाते हैं, और भारतीय क्रिकेट टीम ने बेहद खुशी दी है इन प्रशंसकों को विश्व कप जीत कर, और उसके बदले में ये जो प्रशंसक हैं इन्होंने उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही जोश के साथ स्वागत किया है इस भारतीय क्रिकेट टीम का। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम तो इस काबिल है ही कि उसे इस तरह के प्रशंसक मिले, वहीं जो ये प्रशंसक हैं, जिस तरह का जोश, जिस तरह का जुनून इन्होंने दिखाया है, ये भी इसके पूरे हकदार हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम इन्हें इसी तरह जश्न मनाने के मौके देती रहे। सुचित्रा, आज पूरे दिन हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेशन होगा, ऐसे में मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। मुकेश, लगातार हम आपसे जुड़े हुए हैं और इस पर और ज़्यादा बारीकियों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब की बार जो फैंस हैं उनके मन में अब की बार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साह वो नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आधी रात से हमने देखा कि जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर पहुँचे बड़ी संख्या में कि वो इस टीम का दीदार कर पाएं जिसने भारत को विश्व चैंपियन बनाया है। आपने बात भी की होगी किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह की प्रतिक्रियाएं और कैसा जोश अब की बार जो हम कह सकते हैं फैंस में नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, जिस तरह का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा था जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो अमूमन यहाँ पर एयरपोर्ट पूरी तरह से भरा हुआ था और लोग यहाँ पर राहुल द्रविड़ के होल्डर से लेकर के पहुँचे हुए थे, होल्डिंग्स उनके हाथ में थे, टी शर्ट्स पहन रखी थी टीम इंडिया की लोगों ने, जो फैंस थे और कुछ ऐसे फैंस थे जिनकी फ़्लाइट थी वो भी वेट कर रहे थे, तो उनको सीएसए वाले कह रहे थे कि भाई आपके फ़्लाइट का टाइम हो रहा है तो आप अंदर की तरफ जाइए, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर टाइम मिले तो वो भी उन अपने क्रिकेट फैंस, अपने क्रिकेट के चाहने वाले उन खिलाड़ियों का एक बार दीदार कर लें। तो इस तरह का पूरा माहौल देखने को मिल रहा था, यानी एक तरफ फ्लाइट्स थी, एक तरफ खिलाड़ी आ रहे थे, और इस बीच में जो नेचुरल फैंस थे जो ऑलरेडी यहाँ पर रात से ही आना शुरू हो गए थे, जैसा आपने कहा दूर दूर से आए, कोई 30 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से अक्रॉस द बॉर्डर लोग यहाँ पर पहुँचे, और ये हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है गौरव, जो खेल प्रेमियों की दीवानगी है वो इसी तरह से बढ़ चढ़ कर देखने को मिलती है। जब भी हमारी टीम कोई भी गेम हो, कोई भी इवेंट हो, अगर उसमें बड़ा प्रदर्शन करती है तो इसी तरह से
फैंस उनका इस्तकबाल करते हैं, इसी तरह उनको चीयर करते हैं, इसी तरह अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और क्रिकेट एक ऐसे भारतीय नेशन में एक धर्म की तरह देखा जाता है, लोगों की बहुत ज़्यादा इमोशंस टच है इनके साथ, इमोशनली अटैचमेंट है, तो काफ़ी कनेक्टिंग होते हैं। कई बार हमने देखा कि खबरें देखने को मिली कि लोगों ने अपने टीवी तोड़ दिए, लोगों ने कुछ कर दिया, तो एक तरह का अटैचमेंट है। जिस दिन जीते इतनी दिवाली मनाई गई देश में, जगह जगह बम पटाखे, लोग सड़कों पे आ गए, इंडिया गेट देखें आप, तमाम मरीन ड्राइव देखें, जो उस दिन की तस्वीर हमने देखी अक्रॉस द कंट्री जो आ रही थी, यानी फैंस जो थे वो डेडिकेटेड होकर के टीम को चीयर कर रहे थे। जो स्टेडियम में थे वो अलग थे, जो सात समंदर पार थे वो अलग थे, और जो जो टीवी में बैठ करके इस पूरे मैच को देख रहे थे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है इक्वल है। और इसी वजह से वो इस खेल को बड़ा बनाते हैं और खिलाड़ी इतना महान बनते हैं, और खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए वो यहाँ पहुँचे। T3 पर इतना हुजूम देखने को मिला, शानदार भारत माता की जय के नारे, रोहित शर्मा के नारे लगे यहाँ पर, कप्तान के नारे लगे, टीम इंडिया के नारे लगे, और इस तरह की दीवानगी जो है वो इस खेल को और आगे लेकर के जाएगी, आने वाले टाइम में काफी कुछ और निकल करके आएगा। ठीक है मुकेश, सुचित्रा का रुख करता हूँ। सुचित्रा, साफ तौर पर हम देखें कि हम देख रहे हैं कि सुबह से आप वहां पर थी, तमाम फैंस से आपने बात करने की भी कोशिश की, उन्होंने भी अपने रिएक्शन दिए, और बहुत ऐसे फैंस थे जिन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की कि अब की बार जो की फैक्टर्स रहे हैं अब की बार पूरे इस टूर्नामेंट के, वो अब की बार यहाँ पर उन्होंने रखने की कोशिश की। ऐसे में 29 जून को जो हमने माहौल देखा जीतने के बाद, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती, एक अलग माहौल था, लेकिन आज का माहौल भी उससे कम नहीं है, जोश वही है और जोश लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गौरव, ये जो विश्व कप जीता था भारतीय टीम ने, बाबेडॉस में जीता था, लेकिन अब जब भारतीय टीम अपने देश वापस लौट आई है, विश्व कप की वो जो ट्रॉफी है जो अपने देश वापस लौट आई है, तो हम कहें कि ये भी जो पल है, ये भी जो लम्हा है, ये भी अपने आप में अनमोल है। क्योंकि अभी तक टीवी पर देखा था, टीम को जीतते हुए देखा था, विश्व कप को उठाते हुए भी टीवी पर देखा था, लेकिन जब वही टीम, जब वही विश्व कप की ट्रॉफी जब इन प्रशंसकों के सामने थी, तो वो एक अनमोल लम्हा था उनके लिए। और सभी प्रशंसक जानते थे कि भारतीय टीम आएगी, एक लंबी यात्रा करके आ रही है, जल्दी ही अपने होटल के लिए रवाना होना चाहेगी, बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा इन प्रशंसकों को, खिलाड़ियों को तकने का, लेकिन एक झलक उन्हें मिल सकती थी उन खिलाड़ियों की, और वही जो एक झलक है उनके लिए काफ़ी थी। वही एक झलक पाने के लिए जो क्रिकेट प्रशंसक हैं रात भर से यहाँ खड़े हुए थे, और जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने भी पूरी तरह से हम कहें कि इस्तकबाल किया इन भारतीय प्रशंसकों की भावनाओं का। क्योंकि जब बस गुजर रही थी तो विराट कोहली जो उसमें बस में सबसे आगे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रशंसकों का पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है टीम के स्वागत के लिए, तो एक मुस्कान थी सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर, और खिलाड़ियों ने भी वेव किया प्रशंसकों को, तो प्रशंसक जानते हैं कि ये जो टीम है, ये जो खिलाड़ी हैं, हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन खिलाड़ियों ने भी जिस तरह से पूरी तरह से एक्नॉलेज किया कि हाँ ये हमारे प्रशंसक हैं, इनकी वजह से आज हमारा भी एक बड़ा वजूद है, तो उन्होंने भी पूरी तरह से मुस्कुराकर जिस तरह से उनका अभिवादन किया, ये जो लम्हा है और भी विशेष हो गया इन प्रशंसकों के लिए। विश्व कप का वो फाइनल तो याद रहेगा ही, लेकिन जो प्रशंसक आज यहाँ पर थे उन्हें ये स्वागत का जो लम्हा है, और खिलाड़ियों को भी ये जो अपना भव्य स्वागत है, हमेशा याद रहेगा। गौरव, सुचित्रा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फैंस में तो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस समय में खिलाड़ी हाथ में खिताब लेकर के एयरपोर्ट पर पहुंचे, उस समय में कितना उत्साह उनके चेहरे पर, खिलाड़ियों के चेहरे पर देखने को मिला, क्योंकि आज वो स्वदेश आए हैं और राजधानी दिल्ली में उन्होंने पहुँचे, और उसके बाद अब मुंबई की ओर रुख करेंगे, वहाँ भी उनका कई सारा कार्यक्रम है, और इसीलिए जानना चाहेंगे कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था खिलाड़ियों में भी, क्योंकि क्या है, दर्शक ही तो उत्साह बढ़ाते हैं, और खिलाड़ी जब खिताब लेकर के आते हैं तो किस तरह की जुगलबंदी देखने को मिलती है। आज बिल्कुल संध्या, हम जानते हैं कि वतन वापसी की जो खुशी है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। टीम ने जब ये खिताब जीता था 29 जून को, उसके बाद बाबेडॉस में जो तूफान आ गया था उसकी वजह से उन्हें वहाँ रुकना पड़ा, तो जो ये 2-3 दिन का भी इंतज़ार था, हम कहें कि ये सदियों का इंतज़ार बन गया था, क्योंकि खिलाड़ी भी जो हैं, जो टीम है वो भी उत्सुक थी कि कब हम ये ट्रॉफी जीत कर अपने देश पहुँचे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के जो करोड़ों प्रशंसक हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं
इन खिलाड़ियों का, इस ट्रॉफी का। तो खिलाड़ी खुद भी चाहते थे कि हमने अपना काम कर दिया है, फाइनल हमने जीत लिया है, ट्रॉफी हमने जीत ली है, अब हम चाहते हैं कि इस ट्रॉफी को लेकर जल्द से जल्द हम अपने देश वापस लौटे और वहां जाकर ये खुशी अपने देश के लोगों के साथ हम शेयर कर सकें, क्योंकि ये जो ट्रॉफी है, ये जो विश्व कप है, ये जितना इन खिलाड़ियों का है उतना ही करोड़ों भारतीयों का भी है। ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि जैसा कि फैंस अपनी बातें रख रहे थे, अपने रिएक्शंस रख रहे थे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन जो है वो पूरा सेलिब्रेशन के नाम है। सुबह से हम देख रहे हैं कि जो फैंस हैं वो लगातार इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि टीम इंडिया भी इस बात को सेलिब्रेट कर रही है। तमाम अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। ऐसे में मुकेश का रुख कर लेता हूं। मुकेश, जैसा कि हमने देखा बारबाडोस में तो तूफान आया था, लेकिन यहां भी तूफान से कम नहीं है, क्योंकि जो स्थितियां हैं जो साफ तौर पर यहां पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि हम लगातार इस बात को देख रहे हैं और इस बात को समझ भी रहे हैं कि जो फैंस हैं वो लबरेज हैं इस बात को लेकर, और ये जोश और उत्साह नजर आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कह रही हैं। तो हम अगर इसको देखें तो जो फैंस हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आज पूरा दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा? बिल्कुल गौरव, बारबाडोस में तो तूफान आया था, हरिकन आया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो फैंस का जनसैलाब उमड़ करके आएगा। देखिए, अपने सितारों को देखने के लिए दिल्ली से लेकर के मुंबई तक वो तमाम फैंस उमड़ेंगे, और सड़कों पर जब 5 बजे पूरा का पूरा कॉन्वॉय जो ओपन बस में मरीन ड्राइव से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम तक जाएगा, वो पूरा एक रिंग बनता है उस रिंग पर, क्योंकि मुंबई जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक सपनों का शहर है, और जब उस सपनों के शहर में ये जो सूरवीर है वो पहुँचेंगे अपने सपने पूरे करके, तो वहाँ पर जो जनता होगी वहाँ इस्तकबाल करने के उनका मौजूद होगी। रात भर से हमने देखा यहां पर दिल्ली के टर्मिनल 3 पर किस तरह का माहौल था, अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद ये जो कारवा है ये मुंबई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी अभी कई दिन तक इस तरह का जश्न आपको अलग अलग शहरों में, अलग अलग जो इनके होम ग्राउंड्स पर, उसके बाद जब ये वहां से डिस्पर्स होकर अपने अपने शहर पहुंचेंगे, छोटे छोटे गांव पहुंचेंगे, तो वहां पर जिस तरह का नजारा देखने को मिलेगा इनके होम टाउन पे, इनके फैमिली मेंबर्स के साथ इनके जो इंटरेक्शन होंगे, तो अभी ये जश्न चलेगा, ये एक दिन का पूरा रिजल्ट नहीं है। इसको देखिए, पूरे साल, मैंने पहले बताया कितने साल लगे, 17 साल में आपने दूसरी बार इस टास्क को पूरा किया, हर बार आपने दस्तक दी, हर बार आपने अच्छा वार किया, लेकिन इस बार आपका जो वार था वो बिल्कुल सटीक था, और आपने इस बार जो चोकल स्ट्रीम थी जिसके पास भी भारी दबाव था उसके दबाव पर आप हावी हुए, और देश को आपने चैंपियंस का खिताब दिलाया और इस T20 विश्व कप का विजेता बनाया और अपने मंसूबों को पूरा किया, देश की उम्मीदों को पूरा किया। बिल्कुल, ये सब तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी बार भारतीय टीम को आगे बढ़ने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश और सुचित्रा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, और आज पूरा दिन इसी पर हम आपको अलग अलग तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं सुनाते रहेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग शिविर में मचे भगदड़ की घटना के न्यायिक जांच की जाएगी और इसके लिए रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया है। इस आयोग में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। ये जांच समिति 2 महीने के भीतर अपनी जांच प्रक्रिया पूरी करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस में सत्संग शिविर में मचे इस भगदड़ की घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद सत्संग का आयोजन कराने वाले व्यक्ति भोले बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं मैनपुरी के डीएसपी सुनील कुमार ने बताया है कि बाबा के आश्रम के भीतर 40 से 50 अनुयायी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आरोपी बाबा आश्रम में मौजूद नहीं है। और इधर मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बुधवार शाम संसद सत्र खत्म होते ही दिल्ली से सीधे हाथरस पहुंचे। वहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भगदड़ में घायल लोगों से बातचीत भी की। घायलों में शामिल संगीता निवासी हाथरस, राजेंद्री निवासी आगरा, ओमवती निवासी हाथरस का हालचाल जाना और घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं भगदड़ में मृत रहन कला की गुड़िया देवी पत्नी महताब सिंह और निहाल देवी पत्नी मोहर सिंह के घर पहुंचकर शोक भी व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह कामना करते हैं कि कठिन समय में परिवार को धैर्य और संबल मिले। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर हमारे सहयोगी हाथरस से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, हम देख रहे हैं कि तमाम यहां पर जो कार्रवाइयां हैं उनको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक क्या क्या इनपुट इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन पर सबसे तेज गति से अभी आगे जाँच चल रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा तेज गति पर काम इसी बात पर हो रहा है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए। आपने देखा है कि एफआईआर इसमें दर्ज हो गई है, जो भी संचालक थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जहां तक बाबा का प्रश्न है, बाबा फरार है अभी भी और उसको खोजने के लिए भी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। जगह जगह जहां उसके आश्रम है वहां पर भी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पहुंची हुई है। जो न्यायिक आयोग बना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 महीने के अंदर आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ ये भी बताना है आयोग को कि कहाँ कहाँ गलतियाँ रह गई, कहाँ कहाँ चूक रह गई। भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी आयोजन, धार्मिक आयोजन होते हैं तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा भी है कि 80,000 की अनुमति मांगी गई थी और 2.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो उस सत्संग में पहुँचे थे। तमाम जो व्यवस्थाएँ होनी थी आयोजकों की तरफ से, सेवादारों की तरफ से, वो व्यवस्थाएँ नहीं हो पाई। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो वहां मौजूद थी सत्संग में। सत्संग के बाहर भी जो प्रशासन के लोग डिप्लॉयड थे उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो ये न्यायिक आयोग इस बात की जानकारी देगा कि कहां कहां और किस किस स्तर पर भविष्य में इस तरह के इंतजाम होने चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो। जहाँ तक बाबा का प्रश्न है, निश्चित तौर पर आप देखें कि जब घटना हुई और बाबा अपने आयोजकों और सेवादारों के साथ फरार हो गया है, बाबा की ये जिम्मेदारी थी कि अगर वो गरीब लोगों को, गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा था, गरीब लोगों की उन्नति के लिए कार्य कर रहा था, तो उस समय जब गरीब और खासतौर से गरीब महिलाएं जब उस भगदड़ में दब रही थी तो बाबा और उसके आयोजक और सेवेदारों की जिम्मेदारी थी कि प्रशासन के साथ मिलकर उन महिलाओं को वहां से निकालते और अस्पतालों में पहुंचाने का काम करते। लेकिन बाबा वहां से जान बचाकर भागा और उसके जो तमाम आयोजक और सेवादार वो भी वहां से भाग गए। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि जिस तरह का ढोंग बाबा कर रहा था और भोले वाले लोगों को भड़का रहा था, भोले वाले लोगों को गुमराह कर रहा था, वो कतई सही नहीं है। अब जो प्रशासनिक कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसके तमाम जो सेवादार और जो अनुयायी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने घटना का जायजा लिया, घायलों से भी बातचीत करी, पुलिस के अधिकारियों से भी उन्होंने बात करी और उनका स्पष्ट कहना था कि इस घटना में कोई भी दोषी होगा या किसी ने भी कोई तरह का षड्यंत्र किया होगा, किसी ने भी कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश की होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य के लिए मिसाल पेश होगी और आने वाले समय में कोई भी इस तरह के दुर्व कह सकते हैं कि जो अनियमितता है या जो वहाँ पर सुरक्षा की जो अव्यवस्था देखी गई थी, भविष्य में ऐसी अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं।
नीरज, जिन लोगों से अभी तक जिनको हिरासत में लिया गया उनसे कुछ पूछताछ भी हुई है, क्या उसमें भी कुछ बड़े खुलासे होते हुए नजर आए हैं? क्या बाबा के बारे में वहां से कोई जानकारी अभी तक हासिल हो पाई है? क्या इस बारे में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई बात निकलकर सामने आई हो? देखिए, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि वो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों से पूछताछ की है उस घटना को लेकर, और बाबा की जो भूमिका है वो निश्चित तौर पर मुख्य भूमिका है, क्योंकि जिस समय ये हादसा हुआ था, अगर बाबा और उसके सेवादार अगर चाहते तो ये हादसा रोक सकता था, क्योंकि बाबा सत्संग खत्म करकर जब वहाँ से निकल रहे थे उसी समय उनके सेवादारों ने, जो श्रद्धालु महिलाएं थीं जो पहले से खड़ी हुई थी, उनके साथ धक्का मुक्की करी और गाड़ी तक आने से रोकने की कोशिश की। उसी धक्का मुक्की में, चूँकि मिट्टी चिकनी थी और वहाँ पर कई सारी जो महिलाएँ हैं वो खेत के बगल में एक नाली नुमा एक जगह थी और उसमें गिर गई, और पीछे लाखों की संख्या में भीड़ थी वो लगातार उन महिलाओं और बच्चों के ऊपर चढ़ती रही, जिसके कारण ये जो घटना है वो हुई। तो निश्चित तौर पर जो बाबा, उसके सेवादार और जो आयोजक, और खास तौर से बाबा ने जो सेवादारों के रूप में एक प्राइवेट कह सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी इकट्ठे कर रखे हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बाबा की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे हैं। और आपने देखा भी होगा कि 24 घंटे के बाद जब घटना हो गई तो बाबा एक रिटन लेटर जारी करते हैं और घटना का दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन साजिश का जिक्र करते हैं बाबा के, कोई साजिश है जिसके तहत ये घटना हुई है, लेकिन बाबा अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उनको ये देखना होगा कि जिस समय वो गरीब लोग वहाँ पर कुचल रहे थे, गरीब लोगों की मौत हो रही थी, बाबा को रुक कर उसके सेवादार, और सवाल ये भी है नीरज कि अभी तक बाबा चुप क्यों हैं और ऐसे में गायब क्यों हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता के लिए थे, और इस तरह की अगर स्थितियां होती हैं तो ऐसे बाबा कहां चले जाते हैं, इस पर भी आगे की कार्रवाई बहुत सख्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं उससे कानून व्यवस्था जो है और कानून की जो प्रणाली है वो तेज गति से आगे जांच करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार, समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एक बार फिर से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल उन्हें गठबंधन दलों ने अपना नेता चुन लिया, और इसके साथ ही चंपाई सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल CP राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ पूर्व CM हेमंत सोरेन समेत कई दूसरे नेता भी थे। इस दौरान नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। चंपाई 2 फरवरी को इसी साल मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में ED की गिरफ्तारी से पहले 31 जनवरी को CM पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। हेमंत करीब 5 महीने जेल में रहे हैं। किया था, मुझे दायित्व मिला, राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया, हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना, और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है, और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे, और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली, ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे।
और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है और उन्होंने बेवजह वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को उनके पद से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि ये झारखंड राज्य के आदिवासियों का अपमान है। Soren is again all set to become the chief minister and unceremoniously he has removed chief minister Champai Soren from his post and Hemant Soren is likely to take over as the next chief minister in the next couple of days and we think it's an insult to the tribals of the state of Jharkhand. और इधर लोकसभा में अब शपथ ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के नारे या स्लोगन को लेकर पाबंदी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 17वां संस्करण के नियम 389 के अनुसरण में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार कोई भी सदस्य जैसा भी मामला हो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी भी नहीं करेगा। और नीट पेपर लीक में आज सीबीआई 7 आरोपियों को पटना की विशेष अदालत में पेश करेगी। कल इन आरोपियों से पूछताछ का आखिरी दिन था। इस दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया। पेशी के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार सभी आरोपियों को वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। तो नीट का ये जो पेपर लीक मामला है उस पर लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 7 आरोपियों को सीबीआई आज विशेष अदालत में पेश करेगी। और इधर उत्तर प्रदेश में बाढ़ के संबंध में प्रदेश राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। हालांकि बीते 24 घंटों की बात करें तो 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके मद्देनजर जनपदों को मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संभावित बाढ़ के मद्देनजर खाद्यान्न सामग्री वितरण के लिए प्री टेंडरिंग का काम पूरा कर लिया गया है। नवीन कुमार ने कहा कि प्रदेश में वर्षा प्रभावित जनपद मुरादाबाद में मोटरबोट एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पीएसी की टीम काम कर रही है। राहत आयुक्त ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 13 जिलों बिजनौर महाराजगंज बरेली संत कबीरनगर शाहजहांपुर बस्ती बदायूं मुरादाबाद रामपुर गोरखपुर बाराबंकी बलिया और पीलीभीत में 30 मिलीमीटर या उससे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। और वहीं असम में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 जिलों के 2,800 गांवों में 16,25,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बुधवार को 8 मौतें हुई, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 46 हो गई है। 515 राहत शिविरों में 25,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। मंगलवार को डिब्रूगढ़ जिले में वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा चरखुलिया चापोरी और हटियाली चापोरी से 13 मछुआरों को बचाया गया है। इस बीच मंगलवार को तेंगा घाट के खोवांग और हाथी बोंधा इलाके में हाथी मुरा और बुरही देहिंग के बांध टूट गए हैं, जिसे बड़े पैमाने पर जमीन जलमग्न हो गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, ताकि वन्य जीवों की आवाजाही हो सके। और इधर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में आई बाढ़ से निपटने के लिए सभी जिला आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक भी की है। बैठक में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए त्वरित और प्रभावी राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
और वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य के सभी स्कूलों में इसके चलते छुट्टी घोषित कर दी गई है। बुधवार को राज्य के सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। दरअसल मणिपुर के इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों में लगातार बारिश के कारण दो प्रमुख नदियों के तटबंध टूटने के बाद कई स्थानों पर बाढ़ आ गई। इसके साथ ही भारी मात्रा में नदी का पानी आवासीय इलाकों में घुस गया। भारत में हमार सड़क का 3 किलोमीटर से अधिक का हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है और 1,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की ये जो स्थिति है इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तो ऐसे में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम नया सवेरा में। और आपको बता दें कि इस समय जो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह के पश्चिम क्षेत्रों में हालात हैं बारिश के और किस तरह से उत्तर क्षेत्रों में हालात हैं और इस पर तमाम ताजा और पूर्वोत्तर राज्य में जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में डिब्रूगढ़ से हमारे साथ सुबीना रॉय हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सुबीना, देख रहे हैं वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो अभी भी वहां पर दयनीय बनी हुई है। ऐसे में राहत पहुंचाने के लिए किस तरह से वहां पर जो प्रशासन है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है और ताजा स्थिति अभी क्या कह रही है? जी गौरव सुप्रभात, यहाँ पे जो असम में जो स्थिति बनी हुई है अभी भी काफी नाजुक है। जो फ्लडिंग हो रहा है अभी वो जो है लोअर असम पे चली गई है। जो पानी का बहाव है वो अभी लोअर असम में जैसे मोरीगांव हो गया, गुवाहाटी हो गया, कचार हो गया, बराक हो गया, इन सब एरिया में जो है अभी रिवर नदी का जो बहाव है वो बढ़ने की संभावना है। और लगी आप जो कह रहे थे कि मेजर्स क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कल रात को चीफ मिनिस्टर ने एक बीसी किया था डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो वहाँ पे जो है फ्लड असिस्टेंस के लिए जल्दी से जल्दी मुआवजा देने की बात की गई और फिर कैसे करके एम्बैंकमेंट्स को मतलब प्रॉम्प्टली बनाया जाए ताकि जो है और भी जो बाढ़ पीड़ित होने से रोका जा सके। और जो आज भी CM यहाँ पे डिब्रूगढ़ और माजुली में विजिट करने वाले हैं वहाँ का जायजा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है टेंगा घाट में जो बुरी डीहिंग है वो अबव फ्लड लेवल जो है बह रहा है, तो उससे जो है काफी गाँव में पानी बाढ़ का पानी आ गया था। तो ये जो है लगभग ऐसी स्थिति अभी भी बनी हुई है गौरव। सुबीना, ऐसे में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो अभी अंजाम दिए जा रहे हैं और साफ तौर पर अगर हम बात करें SDRF की तो किस तरह से तेज गति से वहां पर काम होता हुआ नजर आ रहा है? जी गौरव, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। SDRF और NDRF तो हमेशा ही फ्लड रिलीफ असिस्टेंस में हेल्प कर रही है आसाम में, बट इस बार जो है 13 फिशरमैन को, मछुआरों को एक चापोरी जो सैंड बार कहते हैं रिवर के बीच, ब्रह्मपुत्र के बीच में से उनको निकाला गया। इंडियन एयरफोर्स ने एक बार बहुत ही एक तगड़ा कदम उठाया, उनको जो है उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ की रेस्क्यू ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, तो अगर हम रिलीफ कैंप्स की बात करें तो कल 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स थे और जहाँ पे 25,000 से भी ज्यादा लोग अभी रह रहे हैं। अगर ऑल टुगेदर लोगों की बात करें कि जैसे फ्लड आता है तो चले जाते हैं और जब बाढ़ पानी खत्म हो जाता है तो चले वापस घर आ जाते, तो ऐसे लोगों की अगर संख्या की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा
ज्यादा है। और आप मेडिकल टीम्स की बात करें, कल जो है 126 मेडिकल टीम्स को लगाया गया था पूरे स्टेट में, और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बोट्स रेस्क्यू बोट्स हैं वो 130 से ज्यादा बोट्स रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगाए गए। और कल जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने जो रेस्क्यू किया गया 8000 से भी। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी डिब्रूगढ़ से सुबीना रॉय हमें बता रही थी कि किस तरह से अभी लगातार वहां पर जो तमाम ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं और तेज़ गति से जो प्रशासन है वो यहां पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि एनडीएमए की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और एनडीएमए लगातार इस तरह से जो आपदाएँ आती हैं उनको आगे बढ़कर वहां पर रक्षा और सुरक्षा करने के लिए तमाम जो सहयोगी एजेंसियाँ हैं उनके साथ मिलकर आगे काम करता हुआ नज़र आता है। तो ये हमने आपकी बार देखा है कि जो स्थितियाँ हैं पूर्वोत्तर राज्यों में वहां पर उससे पार पाने के लिए किस तरह से मुस्तैदी के साथ प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है, यह हमने आपको बताया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले परिश्रामिक पर स्पष्टीकरण जारी किया है और सेना ने उन खबरों को गलत करार दिया है जिनमें कहा गया है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए के अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। और इस बात पर भी फिर से जोर दिया जाता है कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को देय परिश्रामिक का भुगतान शीघ्र किया जाता है जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर भारतीय सेना के स्पष्टीकरण को रीपोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। तो भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया। और हम लगातार देख रहे हैं कि जो सरकार द्वारा तमाम जो कार्यप्रणाली है उसको और ज़्यादा दुरुस्त किया जा रहा है और पारदर्शी भी इसको रखा गया है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन जारी है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री ने कई देशों और संस्थानों के नेताओं से मुलाकात की और भारत और विश्व से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष के बीच मुलाकात भी काफी चर्चा में है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोली से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही
बिजनेस का उतार चढ़ाव। खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिडडे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आइए आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए आम चुनाव, दो बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव और लिबर पार्टी में कड़ी टक्कर की उम्मीद, पीएम ऋषि सुनक का भविष्य दांव पर। ब्रिटेन में मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी, 5 जुलाई की सुबह परिणाम होंगे घोषित, फिलहाल सभी की नजरें एग्जिट पोल पर टिकी। नेपाल एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के भी मंत्रियों ने पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से दिया सामूहिक इस्तीफा। इससे पहले सीपीएन यूएमएल ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को पद से हटने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, लेकिन बुधवार को समय सीमा समाप्त होने के बाद पार्टी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और इसके बाद मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। हालांकि प्रधानमंत्री प्रचंड ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा देने के बजाय सदन में अविश्वास मत प्रस्ताव का सामना करेंगे। इधर पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन, रिपब्लिकन फ्रंट की मांग को लेकर लोगों में रोष, फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों का दूसरे चरण के मतदान के बाद 7 जुलाई को होगा ऐलान। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। आज AI शिखर सम्मेलन 2024 का दूसरा दिन है। नई दिल्ली में चल रहे इस शिखर सम्मेलन में आज AI शिक्षा, वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, डेटा पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि पर अलग अलग सत्रों का होगा आयोजन। सेबी ने शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वाले स्टॉक ब्रोकर्स पर नकेल कस दी है, पहली बार सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि बाजार का बेजा इस्तेमाल और धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए ब्रोकरेज फर्म के साथ साथ उसके वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शेयर ब्रोकर को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने के 48 घंटे के भीतर बाजारों को जानकारी देनी होगी, साथ ही उन्हें संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी और बाजार दुरुपयोग के मामलों पर एक विश्लेषण और कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ के साथ बैठक की।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय ऋणदाताओं को डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपने शासन मानकों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सफलतापूर्वक खरीद की। और आइए अब खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। अनंत राधिका की शादी की रस्मों की हुई शुरुआत। अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया पर मामेरू सेरेमनी रखी गई, जिसे काफी ग्रैंड तरीके से मनाया गया। इस सेलिब्रेशन की तमाम झलकियां इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम का इस्तेमाल करके एक महिला से हुई 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसने एक्टर को भी हैरान कर दिया है। इस मामले के चलते सिद्धार्थ ने अपने फैंस को अलर्ट किया। टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और एक्टर करण वाही का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों पर आरोप है कि पैसे के बदले में इन्होंने ऑनलाइन फोरेक्स ट्रेडिंग ऐप ओफ्टा एफएक्स का प्रचार किया। भारत की सबसे ज्यादा हिंसक फिल्म कही जा रही किल का प्रीमियर हुआ, जिसमें कई सितारे नजर आए और फिल्म 5 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म भारतीय सेना के कमांडो अमृत और वीरेश के बारे में है। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वह एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री के लॉबी का शिकार हो गए थे, तब उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाते हुए कई बिजनेस खोले। YouTube के फेमस कंटेंट क्रिएटर और एक्टर भुवन बाम बीबी की वाइंस YouTube चैनल के 9 साल पूरे होने पर ढिंडोरा के दूसरे सीजन की घोषणा की और बताया कि ये टीटू मामा के किरदार पर बेस्ड एक रोमांटिक कॉमेडी है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अनुष्का को वीडियो कॉल पर विरल तूफान का भयावह मंजर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जापान के सिनेमाघरों में शाहरुख खान की फिल्म जवान होगी रिलीज। वहीं सोशल मीडिया पर जवान की जापान रिलीज का पोस्टर सामने आया है, जिसके मुताबिक फिल्म 29 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और इसी के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले संध्या, और आपको जाने से पहले छोड़े चलते हैं वर्ल्ड कप जीतकर बारबाडोस से स्वदेश लौटी टीम इंडिया के स्वागत की शानदार झलकियों के साथ। और इसके साथ ही हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
इट्स अमेजिंग फीलिंग मैन. इसके लिए काफ़ी मेहनत की है ये हाथ में आने के लिए. आई एम सो ब्लेस कि मैं आज ये ट्रॉफी और ये ब्यूटीफुल मेंबर जो प्लेइंग 11 जो टॉप 15 है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो एक्साइटेड. This feeling you can't express in words. I'm so lucky to have this.